सो हाय गाइस, आज का एक नया वीडियो है। सो आपको भी इस टाइप से फोटो एडिटिंग सीखना है, डार्क फोटो एडिटिंग, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा समझ में आ जाए। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें ताकि मैं इस टाइप से फोटो एडिटिंग करूँ तो अब तक सबसे पहले आ सके। सो लेट्स स्टार्टेड। सो इतना करने के बाद स्केच बुक ओपन कर लेंगे। सो स्केच बुक ओपन करने के बाद बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। सो इरेज करना नहीं आता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, सो चेकअप कर लीजिएगा। सो इतना करने के बाद जाना है इस आइकन पे। सो इस आइकन पे जाने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे, ये वाला वाइट वाला। तो ये वाइट वाला एम्प्टी लेयर को फोटो के नीचे कर देना है। सो फोटो के नीचे करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है ब्रश के टूल पे, देन लेगेसी पे जाना है, देन ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, देन ये ड्रॉ स्टाइलस पे क्लिक करेंगे, देन ये गोला वाला सेलेक्ट कर लेंगे, देन इस टाइप से बना लेंगे, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, देन ट्रांसफॉर्म कर देना है, देन ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको इस टाइप से यहाँ पास एडजस्ट कर देंगे, देन कर देना है डन। सो डन करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, देन ये बैकग्राउंड जो आइज क्लोज किए हैं उसको ऑन कर देना है। सो ऑन करने के बाद दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। सो ये एम्प्टी लेयर वाइट वाला इसके नीचे कर देना है, देन नीचे करने के बाद जाना है कलर पे, कलर पे हल्का वाइट सेलेक्ट कर देंगे, अराउंड देन आ जाना है बैक। बैक आने के बाद जाना है ब्रश पे। सो प्रेस पे जाने के बाद ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेना, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इसका स्टेप से साइज को बड़ा कर लेंगे, स्टेप से देन इसका साइड बना लेंगे, इस टाइप से। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें ताकि मैं इस टाइप से वीडियो एडिटिंग करूँ तो आप तक सबसे पहले आ सकें। सो इतना करने के बाद साइज को पूरा बड़ा कर लेंगे। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करना है, देन एम्प्टी लेयर पे दोबारा क्लिक करें, देन इसका ओपेसिटी को कर देना है माइनस, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, देन प्लस के आइकन पे दोबारा क्लिक करके एम्प्टी लेयर ले लेंगे। सो एम्प्टी लेयर लेने के बाद एक बार एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, देन चले जाना है ब्लेंडिंग पे। सो ब्लेंडिंग में आने के बाद कर देना है सॉफ्ट लाइट, देन सॉफ्ट लाइट करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे साइज को इस टाइप से, देन हल्का हल्का यहाँ पास इस टाइप से कर लेंगे, सो इतना करने के बाद साइज को 57 करके इसका भी लाइट इफेक्ट डाल देंगे इस टाइप से। सो इतना करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करेंगे, देन दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, देन लॉन्ग प्रेस करके इसको
ऊपर कर देना है, फोटो के नीचे देना जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इस टाइप से लाइट इफेक्ट डाल देंगे। कुछ इस टाइप से इतना करने के बाद दोबारा इस आइकन पर क्लिक करना है, देन एम्प्टी लेयर पर दोबारा क्लिक करेंगे। सो एम्प्टी लेयर को दोबारा क्लिक करने के बाद इसको यही पे रहने देना, देन चले जाना है कलर पे। सो कलर पे जाने के बाद इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। सो ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद जाना है ब्रश के टूल पर, देन ब्रश के टूल पर जाने के बाद यही वाला ब्रश रहने देना है, देन आ जाना है बैक। देन इसका साइज को 6-7 मतलब इसका राउंड आसपास रख लेंगे। देन इसका साइज को छोटा करके इसका साइड बना लेंगे इस टाइप से। सो साइज को बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से। सो इतना करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, देन दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। देन ये एक बार क्लोज करके ऊपर कर देना है फोटो के, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद दोबारा जाना है कलर पे, देन कलर पे जाने के बाद वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इसका साइज को अभी 7-6 के अराउंड कर लेंगे आसपास, देन साइज को अपने हिसाब से करके इस टाइप से कर लेंगे, लाइट इफेक्ट दे देंगे कपड़े पे। हल्का हल्का हेयर दे देंगे। सो इतना करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, देन प्रेस के आइकन पे दोबारा क्लिक करेंगे। देन ये लॉन्ग प्रेस करके एम्प्टी लेयर को दोबारा ये फोटो के नीचे कर देना है। देन नीचे करने के बाद आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद इस बार लो को 3 कर लेंगे, देन साइज को पूरा 100 कर देना है। 100 करके पूरा यहाँ पास अच्छे से इस टाइप से कर लेंगे थोड़ा और प्रकाश। सो इतना करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, लाइट पीएनजी को ऐड कर लेंगे इंपोर्ट इमेज करके। सो ऐड करने के बाद इसको इस टाइप से बड़ा कर लेंगे, देन कर देना डन। सो डन करने के बाद दोबारा इस आइकन पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करके इसको
नीचे कर देंगे। देन नीचे करने के बाद इसको एक बार एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, देन चल जाना ब्लेंडिंग पे। सो ब्लेंडिंग में जाने के बाद कर देना है सॉफ्ट लाइट। सो ब्लेंडिंग में जाने के बाद कर देना है स्क्रीन। सो स्क्रीन करने के बाद एक बार दोबारा टैप करेंगे उस पर, देन इसका होगा 70 कर देंगे तीनों जाने पर। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन सेट नहीं करते भी और सेट कर लें ताकि मैं इस टाइप से फोटो एडिटिंग करूँ तो अब तक सबसे पहले आ सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।